Please subscribe and press the bell icon to never miss an update from Wit4U. बेल बॉटम का फर्स्ट लुक हुआ आउट। 80 के दशक की सैर करवाने आ रहे हैं अक्षय कुमार। पोस्टर में दिखा रेट्रो अंदाज। जी हाँ, हाल ही में खबरें आई थी कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म सूर्यवंशी के सेट पर बुरी तरह घायल हो चुके हैं। चोट लगने के बाद भी अक्षय कुमार अपने काम में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आने दे रहे। तभी तो घायल होने के बाद भी खिलाड़ी कुमार ने अपने फैंस को एक और तोहफा दे डाला है। कुछ समय पहले ही अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म बेल बॉटम का पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें उनके किरदार का फर्स्ट लुक नजर आ रहा है। बता दें, बेल बॉटम अक्की की एक एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अक्की रेट्रो लुक में नजर आने वाले हैं। तभी तो फिल्म के पोस्टर को रिलीज करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा है, 80 के दशक में वापस जाने के लिए तैयार हो जाइए। फिल्म बेल बॉटम में आपको एक स्पाई थ्रिल फिल्म की सैर करने का मौका मिलने वाला है। अपने ट्वीट के साथ ही अक्की ने इस बात का भी खुलासा कर दिया कि बेल बॉटम अगले साल 22 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। अक्षय की इस फिल्म को वासु बगनानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म को रंजीत एम तिवारी डायरेक्ट करेंगे। पोस्टर में अक्षय कुमार सूट बूट पहनकर पोज मारते नजर आ रहे हैं। वहीं अक्के के पीछे उनकी कार और एक क्रैश होता एयरप्लेन नजर आ रहा है। पोस्टर में अक्के के इस अंदाज को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म में अक्की एकदम अलग ही अवतार में नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म हाउसफुल 4 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। लोगों को फिल्म में अक्षय का अंदाज काफी पसंद आया था। इस कॉमेडी फिल्म के साथ अक्की ने अपने फैंस की दिवाली को और भी मजेदार बना दिया था। इसके अलावा फिल्म हाउसफुल 4 की सफलता के बाद अक्षय कुमार पहली बार एक म्यूजिक वीडियो फिलहाल में भी नजर आ रहे हैं। तो आपको फिल्म बेल बॉटम से अक्की का ये फर्स्ट लुक कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।